रायपुर की कबीर नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरभजन सिंह नामक आरोपी को पकड़कर उसके पास से 12,000 रुपए कीमत का हेरोइन जब्त कर आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की कोतरा रोड थाना क्षेत्र में ग्राम सरवानी के पूर्व कोटवार की जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा करते हुए उसे ऐसा प्रताड़ित किया कि पीड़ित परिवार को जान बचाने के लिए थाने की शरण लेनी पड़ी। पुलिस और तहसीलदार द्वारा कार्रवाई का भरोसा देने के बाद पीड़ित परिवार अपने घर गया। जमीन संबंधी इस विवाद असलियत जानने तहसीलदार लोमस मीरी सरवानी जाएंगे ताकि मामले का कानूनी तरीके से पटाक्षेप हो सके। बालोद जिले में धमतरी कांखे राष्ट्रीय राज्य मार्ग 930 में ट्रक और बस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना में 5 लोग घायल हुए जिनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। कैंसर का इलाज कराने आए बुजुर्ग के साथ 5 दिन पहले नगद 35,000 रुपए एवं मोबाइल फोन लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट किए गए मोबाइल एवं 19,000 रुपए नकद राशि बरामद किया गया है। इस घटना के आरोपियों को पकड़ने टीम गठित की गई। टीम के द्वारा दुर्ग भिलाई के 500 से ज्यादा ऑटो को चेक किया गया। वहीं 50 CCTV फुटेज को खंगाला गया था। कोंडागांव जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोग काफी दूर तक फेंका गए। इस हादसे में सहायक आरक्षक भरत टेकाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार अन्य 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर मरकाटोला घाट के पास बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस चरामा से रायपुर जा रही थी, तभी धमतरी की ओर से ट्रक आ रही थी। इसी बीच दोनों वाहनों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। कोरबा जिले के CCB पुलिस चौकी क्षेत्र के आदर्श विहार आवासीय परिसर में रेत परिवहन कर रहे डंपर ने 5 कारों और 3 स्कूटी को बुरी तरह से कुचल दिया। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर बाहर निकले मोहल्ले के लोगों ने भारी वाहन के ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट तेज रफ्तार के कारण हुआ। बड़ौदा बाजार के अमेरा स्थित शुभम ट्रेडर्स में देर रात भीषण आग लग गई। आग से 125 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शुभम ट्रेडर्स रायपुर बड़ौदा बाजार मुख्य मार्ग पर पलारी ब्लॉक के ग्राम अमेरा में है। दुकान में बोरवेल मशीन, पंप और बोरवेल करने का सामान रखा हुआ था। आग ने सभी सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। किरंदुल कोटा वालसा रेल लाइन में विशाखापट्टनम से किरंदुल आ रही पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी मंगलवार को अरकू रेल सेक्शन के शिवलिंगपुरम स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे की वजह से आंध्र प्रदेश स्थित इस रेल सेक्शन में रेल आवागमन बंद हो गया। सेक्शन में सिंगल लाइन होने के कारण दोनों ओर से आने जाने वाली गाड़ियों को नजदीकी स्टेशनों में रोकना पड़ा। गरियाबंद जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चिखली के आश्रम ग्राम कुर्रू भाटा के हाई स्कूल प्रांगण में मंगलवार रात करीब 9 बजे गांव के ही एक युवक नूतन ध्रुव का शव खून से लथपथ मिला। बताया जाता है कि गांव के अन्य युवक राकेश ध्रुव ने शराब के नशे में नूतन ध्रुव की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। हत्या के बाद वह वहां से भाग। रायपुर में पंडरी थाना क्षेत्र के दलदल सिवनी शिवाजी नगर में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में गोकुल निषाद और जीतू की चाकू मारकर हत्या करने वाले 5 आरोपी त्रिशाल दुबे उर्फ प्रिंस दुबे, दीपक साहू, धनेंद्र साहू, पारसमणि साहू उर्फ बोड़ा और नागेश उर्फ लक्की गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में आजाद चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने किराए के मकान में छापा मारकर अवैध हुक्का संचालन को बंद किया है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिरों से सूचना मिली थी कि राधे कृष्ण मंदिर के पास एक किराए के घर में कुछ युवा अवैध हुक्का पिलाने का काम करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरे के बताए पते पर पहुंचकर मौके से कई हुक्का पॉट जब्त कर एक युवती सहित 2 युवक को गिरफ्तार किया। कवर्धा जिले के पोंडी पुलिस चौकी क्षेत्र के मानिकपुर गांव में गन्ने से लदी एक ट्रैक्टर कुएं में जा गिरी। इस हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर के चालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इंजन में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए।
काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को निकाला गया। बालोद जिले में संजारी पुलिस चौकी थाना क्षेत्र के खेरता गांव बाजार में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी पति फगनू राम प्रजापति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घरघोड़ा बंगाली ढाबा के पास मोनू टंडन नामक व्यक्ति को धारदार हथियार को लहराते हुए पकड़ा गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह एक व्यक्ति एक लोहे के धारदार हथियार के बीच रोड में खड़े होकर लहरा रहा है, जिससे आमजन एवं राहगीरों में भय का माहौल व्याप्त। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिंदू चौक स्थित एक घर में मिली गर्भवती महिला की लाश के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार गर्भवती महिला सत्य सिंह की हत्या जेठ प्रकाश सिंह ने की है। घटना के समय महिला का पति घर में नहीं था। आरोपी जेठ ने बहू का मुंह दबाकर हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिनी हड़ताल के दूसरे दिन संविदा कर्मचारियों ने शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए भैंस के आगे बीन बजाया। मंगलवार को राजधानी में बूढ़ा पारा धरना स्थल पर कर्मचारी जमा हुए, लेकिन जिला प्रशासन से आंदोलन की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से उन्हें जल्दी ही वहां से हटा। रायगढ़ जिले के पूंजीपत्र थाना पुलिस ने ग्राम सरायपाली में रविशंकर प्रधान के मकान से सबमर्शियल पंप और केबल वायर चोरी करने वाले दो आरोपी संतोष राठिया और जगदीश उर्फ गब्बू अगरिया को अपराध पंजीबद्ध करने के तत्काल बाद मुखबिरों को सक्रिय कर चोरी के सामानों के साथ पकड़ लिया है। पूंजीपत्र पुलिस ने आरोपियों को चोरी के अपराध में विधिवत गिरफ्तार कर मंगलवार JMFC घरघोड़ा के न्यायालय में पेश किया। महासमुंद जिले के बसना में हुए एक धार्मिक आयोजन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में एक साथ एक रंग की साड़ी में महिलाएं 25,000 कलश लेकर निकली। इस भव्य नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कलश यात्रा खत्म होने के बाद इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की घोषणा की गई। जसपुर जिले के तपकला थाने के सिंगीबहार इलाके में बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही बस पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। महासमुंद में तेंदुकोना भड़ाईपाली के पास मंगलवार के देर शाम ट्राली से ट्रैक्टर पलट गया। इस वाहन में 15 लोग सवार थे। घटना में एक युवती व बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मृतिका कुमारी चांदनी की अभी हाल ही में सगाई हुई थी, जिसकी कुछ दिन बाद शादी होना था। घटना में गंभीर रूप से घायलों को बागबेरा सामुदायिक केंद्र में पहुंचाया गया है। जसपुर जिले की लोदाम चौकी पुलिस ने कट्टे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कैलाश राम को 15 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। उक्त घटना को 4 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इसमें 3 की गिरफ्तारी घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कर ली थी। वहीं चौथा आरोपी कैलाश राम सजा के डर से फरार था। कोर्ट से स्थायी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को उसे मामले में गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र स्थित बोरई गांव में लगातार बोरवेल से मोटर व केबल चोरी हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान थे। इसी वजह से उन्होंने रात को गश्त शुरू की और अब एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि बाकी के आरोपी भाग निकले हैं। ये आए दिन गांव में चोरी कर भाग जाया करते थे। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के दबाव के सामने आखिरकार वन विभाग को झुकना पड़ा। मंगलवार को बिलासपुर वन वृत्त के CCF राजेश चंदेल ने रतनपुर वन परिक्षेत्र के प्रभारी रेंजर से अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया है। उनकी जगह पर वन क्षेत्रपाल गोपाल प्रसाद जांगड़े की पदस्थापना की गई है।